अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश क्लास 4 लेसन नंबर 5 द एम्बेसडर्स डिसगाइज। लेट्स स्टार्ट। वंस इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बूस्ट्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि व्लादिमीर के महल में जो कि रूस का एक प्रिंस में शहजादा था, उसके महल में तमाम उमरा बैठ के शेखियां मार रहे थे। बूस्ट का मतलब होता है शेखियां मारना। वन नोबल बूस्टेड ऑफ ही स्ट्रेंथ, एक अमीर ने अपनी ताकत के ऊपर शेखी मारी। अनदर शोड ऑफ हिज विजडम, और एक दूसरे ने अपनी अकल पर या विजडम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो अक्लमंद इंसान होता है। एक दूसरे अमीर ने अपनी अकल पर शेखी मारी। अदर बूस्टेड ऑफ देयर वेल्थ, और दूसरों ने अपनी वेल्थ का मतलब होता है दौलत। एंड देयर ट्रस्टेड हॉर्सेज, और अपने काबिल एतबार घोड़ों पर शेखियां मारी। वन नोबल, एक अमीर स्टेवर गोडनोविच जो अमीर था उसका नाम स्टेवर गोडनोविच था। सेड नथिंग एट ऑल, उसने कुछ भी ना कहा। ही सेट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, और वो अपने चेहरे पर एक ख्वाबी तासुर लेकर बैठा हुआ था। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड दिस, प्रिंस व्लादिमीर ने इसको नोटिस किया या महसूस किया। एंड आस्क, और पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों खामोश बैठे हो। स्टेवर, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टेवर, स्टेवर ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग टू बूस्ट ऑफ, मेरे पास शेखी मारने के लिए कुछ भी नहीं एक्सेप्ट माई वाइफ, सिवाय मेरी बीवी के कतरीना। मेरे पास शेखी मारने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय अपनी बीवी कतरीना के। शी इज़ यंग, वो जवान है। एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत है। ब्रेवर, बहादुर है। एंड मोर स्किलफुल देन एनी वेरियर हेयर, और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है मतलब सलाहियत वाली है किसी भी दूसरे सपा सलार की निस्बत। ठीक है, शी कैन शूट विद अ बो, वो एक कमान से शूट कर सकती है या तीर चला सकती है। सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, एक बुलबुल की तरह गाना गा सकती है। एंड इनचांट एवरीवन विद हर हार्प, और अपने हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और अपने हार्प से किसी को भी महसूर कर सकती है। एंड नो वन हियर विल एवर बीट हर एट चेस, और यहाँ पे मौजूद कोई भी उसे शतरंज में नहीं हरा सकता। इज दैट सो, क्या ये ऐसा है। इंटरप्टेड द प्रिंस, शहजादे ने मुदाखलत की। यस इंडीड, बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टेवर ने जवाब दिया कि अजीम शहजादे ऐसा ही है बेशक। शी कुड ईजीली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वो आसानी से आपके तमाम अमीरों को हरा सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और ऐसा कहते हुए मुझे माफ़ करें ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर ईदर, अजीम शहजादे लेकिन आप भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। द प्रिंस बिकम वेरी एंग्री, शहजादा बहुत नाराज हो गया। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने ये सुना, ही ग्लेयर्ड एट स्टेवर, उसने स्टेवर को टिकटिकी बांध के देखा या घूर के देखा। एंड सेड, और कहा, You have gone too far this time, तुम इस बार बहुत आगे निकल गए हो। How dare you say, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, that I am no match for your wife, कि मैं तुम्हारी बीवी के सामने कुछ भी नहीं। The prince pointed at a finger at Stever, शहजादे ने स्टेवर की तरफ उंगली से इशारा किया। एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, और अपने एक मुहाफिज की तरफ मुड़ते हुए कहा, सेड कहा,
टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ, थ्रो हिम इन टू द डंजन, और इसको काल कोठड़ी में फेंक दो, गिव हिम ओट्स एंड वाटर, और इसको ओट जो और पानी दो, नथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, नाउ गो, अब जाओ। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, गार्ड ने या मुहाफिज ने ऐसा ही किया जैसे कि उसको हुक्म दिया गया था। ही थ्रू स्टेवर इन टू अ कोल्ड डार्क डंजन, उसने स्टेवर को एक ठंडे अंधेरे कोठरी में फेंक दिया। द ओनली लाइट केम फ्राम अ स्मॉल विंडो विद थिक आयरन बार्स, और जो रोशनी सिर्फ आ रही थी वो एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी जिसके आगे लोहे के राड लगे हुए थे। हाई अप नियर द सीलिंग, जो कि छत के बिल्कुल नज़दीक थी खिड़की। ऑल स्टेवर कुड सी वाज द स्काई, स्टेवर सिर्फ आसमान को ही देख सकता था। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, और वो ठंडे पत्थर वाले फर्श पर बैठ गया और बहुत उदास महसूस किया। एट नाइट एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, स्टेवर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार्स इन द स्काई, स्टेवर ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ सितारों को देखा। अलास ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स, मैंने शहजादे की 9 साल तक खिदमत की है, एंड दिस इज हाउ ही रिपेज मी, और यही वो तरीका है जिसने उसे मुझे रिपे किया है या मुझे सिला दिया है। रिपे का मतलब होता है सिला देना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, आई हर्ट द प्रिंस, मैंने शहजादे को हर्ट किया है या उसको दुख पहुंचाया है। बट आई ओनली स्पोक द ट्रुथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सच ही बोला है। आई होप सम वन टेल कैटरीना वेयर आई एम, मुझे उम्मीद है कि कोई कैटरीना को बताए कि मैं कहाँ हूँ। कैटरीना हर्ड वट हैड हैपन्ड टू हर हस्बैंड, कैटरीना ने सुना जो कुछ उसके हस्बैंड के साथ हुआ या जो उसके शोहर के साथ हुआ। शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने अगले दिन उसे मिलने की कोशिश की। बट द गार्ड्स वुड नाट लेट हर इन, लेकिन मुहाफ़िज़ों ने उसे अंदर ना जाने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए एक प्लान बनाया या एक मंसूबा बनाया। आज के लिए हम लोग जानता की रीड करेंगे, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।